दो इनपुट और एक आउटपुट, ये दिख रहा तो क्या डेट इज एंड क्या करता था, जो भी इनपुट डालोगे क्या करेगा आउटपुट में, तो मल्टीप्लिकेशन गेट। और क्या देता है ये, तो इट विल गिव यू आउटपुट वन लिव एंड बोथ आर हाई, जब दोनों हाई होंगे तभी ये देगा। आइदर वन इज लो देर विल नॉट आउटपुट, देर विल नो आउटपुट। इस केस में डेट इज नैंड और आउटपुट कब मिलता है, बोथ लो हो या इधर बनी जाए हाई, इधर भी आउटपुट आउटपुट भी हाई। तो क्या करते कॉमन इनपुट दे दे, तो यहाँ पे ये हाई दोगे क्या देगा, जो भी दोनों से अगर ए को हमने जीरो रखा तो हमें मिलेगा क्या, ये जीरो एंड जीरो, तो कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या करेगा, तो जीरो क्या करेगा जीरो, और क्या कर देगा वन। और यहाँ पे ए को क्या डाल दे वन, तो यहाँ तक ये क्या करेगा वन, और दैट विल बी तो दैट विल जीरो, तो कैसे बिहेवियर कर रहा है ये नॉट, क्या बोलते हैं नॉट यूजिंग नैंड बनली नॉट, बोला गया था लोगों को कि तो नैंड एंड नॉर को तो यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, नैंड नॉट यूजिंग नैंड, और नैंड से नॉट बनाने के लिए कितना जरूरत होगी हमें, नैंड से नॉट बनाने के लिए एक नैंड की जरूरत है, नैंड से नॉट बनाने के लिए नैंड से नॉट बनाने के लिए एक नैंड की जरूरत पड़ती है। तुम ए और बी डाल करके चेक करोगे भाई निकालोगे, तो ट्रूथ टेबल अगर हमें कुछ नहीं पता था कि कौन सा गेट बेटा है तो किससे काम करते हैं, तो ट्रूथ टेबल बना करके हमें ट्रूथ टेबल बेसिक याद होना चाहिए कि एंड एंड और नैंड नॉर नॉट इनके हमें याद होना चाहिए। बाकी हमें टेस्ट करना तो इसको टेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ऑब्वियसली क्या हमारे पास, तो ये नैंड क्या ये है, तो नैंड और ये क्या नॉट, तो नैंड में नॉट लगा दोगे तो बनेगा क्या एंड आउटपुट आएगा। वेरीफाई करके देखेंगे किसका ट्रुथ टेबल एंड से मैच करना चाहिए,
क्या करोगे ए और बी लोगे? ए 0011 और बी 0101 क्या करेंगे जब ए को वेरीफाई करेंगे यहाँ के थ्रू? ए 0 बी 0 ए 0 और बी तो जो ये गेट है हमारे पास क्या मल्टीप्लाई करके 0 देगा और ये क्या कर देगा 1 यहाँ पे 1 पास कर रहे हो तो क्या देगा ये तो डेट भी यहाँ तक 0 यहाँ पे बना गया था 1 पास के लिए 1 देगा इसको क्या कर देगा ये 0 कर देगा तो फर्स्ट केस में तो क्या मिला था 0 दूसरे केस में डालोगे डेट भी ए जीरो और बी 1 ए 0 एंड तो फिर से ये मल्टीप्लाई करके क्या देगा 0 और ये 1 करेगा अब 1 यहाँ से पास करवा हुए तो मल्टीप्लाई करके क्या देगा ये 1 और फिर से नॉट लगा हुआ तो क्या कर देगा ये तो 0 कर देगा और तीसरा केस में भी तो 0 आएगा तो ऑब्वियसली क्या दिख रहा था उसी का जो दूसरा केस है उसी का उल्टा है उसमें भी उतने मिलने हैं अब फोर्थ केस में दोनों ही क्या तो बना है तो दोनों ही बन जाएगा यहाँ से 1 एंड 1 ये बन यहाँ पे क्या करेगा नॉट 0 कर देगा 0 करेगा ये 0 पास कराओगे तो क्या निकालेगा ये 1 निकालेगा जो ट्रूथ टेबल मैच करा तो किससे मैच करा ये हमारा तो एंड से मैच कर रहा तो दैट इज द एंड गेट दैट इज एंड गेट ये दूसरा कन्वर्शन तो हम लोग कहाँ से करते तो ऐसा बेसिक नियम आता है एक डिमॉर्गन करते हैं नोट करेगा क्या लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट लगाओ ए प्लस बी का बार करोगे तो डेट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है ए प्लस बी का बार कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट ए बार इनटू बी बार जो भी ए है तो ए का बार और बी का बार और बीच में क्या जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा और दूसरा जो है अगर प्रोडक्ट में हमारे पास ए इंटू बी का बार तो ए का बार एंड बी का बार और क्या बन जाते हैं वो तो एडिशन में चला जाता है इन दोनों नियम को डिमॉर्गन्स बोलते हैं बाकी लोकल ऐसा भी आता है कि ए और ए बार का समेशन कितना होगा तो 1 किसी भी सिग्नल को लेकर वेरीफाई कर सकता है ए एंड ए बार का जो समीशन आएगा डेट विल बी 1 और 2 बार तो तुम बार लगा दोगे तो डेट विल बी 2 बार निगेशन कर दोगे तो डेट विल बी ए बन जाएगा मैं दिख गया यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है ये सिग्निफाई कर रहा है डेट इज ये प्रोडक्ट है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है तो एडिशन में और फिर से एडिशन पे अगर लगा दोगे तो एडिशन वाला किस में चेंज होता है प्रोडक्ट में तो यहाँ से भी हम लोग इसको देख सकते हैं और इसके थ्रू देखें तो क्या कर सकते हैं फर्स्ट केस में ये जा रहा है तो ये क्या भी जा रही है ए बी और दिस ये क्या करेगा इसे ए बी का बार मीन्स डेट इज इक्विवेलेंट टू डिमॉर्गन से क्या बोलेंगे इसे ए बार अब इसके थ्रू पास करोगे इसे
ये नॉट है, तो इसका क्या कर देगा ये, जब ये सिग्नल इससे पास करेगा, इससे जब बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, ये नॉट है, दोबारा चढ़ा दोगे तो अब क्या बनेगा, ये पूरे का बाहर लगा दिया फिर से तो क्या बन जाएगा, ये तो डेट विल बी इक्वल टू तो डेट ये एंड गेट क्या मिल जाएगा, ये सीधा बोला जा रहा है कि किसी सिग्नल पे प्रोडक्ट में बाहर है तो बाहर रहेगा, ये लेकिन प्लस में चेंज हो जाएगा, ये बार भी बाहर और प्लस में अगर हो तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता, तो वहां से देख सकते हो कि क्या था, तो एंड गेट था, क्या था वो, तो एंड गेट है या कुछ भी, जैसे ना उतना ही टाइम लगता है, तुम टेस्ट करोगे जो जीरो पर लेकर के टेस्ट करोगे तो उतना ही टाइम लगता है, तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी गेट को, तो बेसिक याद होना चाहिए कि किसका तो एंड और नॉट नॉर एंड नैंड का, और उसके बाद तुम किसी भी सिग्नल को वेरीफाई कर सकते हो कि कौन से गेट में जाएगा। जोर और का निकाला होगा कल, क्या था तुम्हारा, हाँ 00 ऐसा आ गया, मतलब सही से निकाला भी नहीं है। तो नैंड से क्या बनाने के लिए, एंड बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ गई, दो की जरूरत पड़ गई, नैंड से एंड बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ गई, तो वेरीफाई करें लोग, देखिए क्या कौन सा गेट है, जीरो वन लेकर के वेरीफाई कर सकते हैं या फिर डिमॉर्गन्स के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। जीरो वन पे जीरो आ गया तुम्हारा, खड़े जाना चेक करो, इधर आकर के चेक करना आता नहीं, मतलब रखो इधर बैग पर, ऑफिस पे जीरो वन पे चेक करो इधर आकर के, जीरो वन, हाँ ये जीरो ये बन देगा, ठीक है नीचे वाला, और ये क्या करेगा, ये बंद रख देगा और ये जीरो रखेगा ना, एक जीरो था ना एक बंद था, ये क्या है, प्रोडक्ट यहाँ तक देखो ना, जीरो होगा ना, अरे जीरो और वन जीरो डालोगे तो क्या मिलेगा, ये बार यहाँ तक की बात करो, बाहर नहीं निकलाऊंगा अभी, इसमें बात करो, मल्टीप्लाई करेगा कितना देगा, ये जीरो क्या निकालेगा, वन यहाँ पे होगा, बताओ अगला वन वन के लिए बताओ,
वन वन का जीरो जीरो, और बीच में जीरो है बाहर, तो तुम नीचे क्या कर रहे थे? बैठो, ये कोई भी आदमी वेरीफाई कर सकता है, लोकल काम करना रहता है। ये किसका ट्रुथ से बोला? बोला कि अगर हम क्या ले तो जीरो जीरो ले तो जीरो ये नॉट गेट है, तो जीरो का कि बंद कर देगा, और ये भी क्या कर देगा, तो बन और बन के बंद देगा, और यहाँ के बाद ये नॉट में आ रहा होती का निकल जाएगा, तो जीरो और वन वन डालोगे तो क्या देगा यहाँ तक, जीरो 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 का जीरो, और ये क्या कर देगा तो बन देगा, तो किसकी है ये, तो और हमारा ऊपर जो फोटो दिया हो तो और है। ये ऐसे दो यहाँ पे दिखाए हैं, ये दो ऐसे दिखा के बोले या फिर क्या करें, तो इसके लिए नॉट है, तो नॉट को ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, एक ही बात है। दो ऐसे दिखाए हैं, ये पहले दिखाया वैसे दिखाए, एक ही बात है, समझ आ गया वो लोगों को। बाकी वहां से भी टेस्ट करें कि ये डालेंगे इसमें क्या निकलेगा, यहाँ पे ये बार ये का बार ऐसे पास करवाओगे, ये बार बी बार का होल बार, तो ये क्या करता है प्लस कर देगा, ए प्लस बी आ जाएगा और गेट है। तो कितने 90 की जरूरत पड़ी जनसंख्या, 3 नैंड से और बना, तो एक और नॉट मार देंगे तो क्या बन जाएगा, और इसी सिस्टम में किसको डाल दें, एक और एक और बार मार दें, एक और नॉट लगा दें तो क्या बन जाएगा, तो नॉट बनाने के लिए कितने 90 की जरूरत पड़ेगी, 4 की जरूरत पड़ेगी। नोट कर लीजिए, जनसंख्या भी पूछा जाता है कि मैच करो किसके किसके लिए कितना जरूरत पड़ेगी, तो क्या दे देगा तुम्हें, नॉर बन जाएगा, 4 बनाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ तक नॉर और था, एक और नॉट लगा दी थी, क्या बन गया वो नॉर बट, क्या क्या लगाने पड़े हमें, तो 4 लगाने पड़े, कहा साहब ये, और क्या हो गया वेरीफाई कर लेंगे, क्या डालेंगे जीरो, तो जीरो देगा क्या कर देगा वन, और वन डाला तो क्या ये है, नॉट यूजिंग नॉट बन ली, नॉट यूजिंग नॉट बन ली, तो वैसे तो मैं आगे फिर से कनेक्ट कर सकते हैं इसे, ये क्या, तो यहाँ तक क्या हमारे पास, दिस इज नॉर, नॉट लगा दिया, क्या बोलते हैं, और यूजिंग नॉर बन ली, और यूजिंग नॉर बन ली,
अब ऐसे डिमार्कन से भी निकाल सकते हो तुम प्रोडक्ट को एडिशन में चेंज करके या एडिशन को प्रोडक्ट में चेंज करके। नोट कर लेके आइए। क्या था एंड दिस योर एंड नाउ अब जो सिचुएशन है बताओगे नाइंड का टूथ ट्रबल क्या होता है? 01 के लिए क्या होता है? 01 के लिए है? कोई जरूरत नहीं कि जो ऑर्डर में तुम बना रहे हो भाई, कोई दूसरा ऑर्डर भी लिखा जा सकता है, उसके अनुसार वहां वेरीफाई करना होगा। टाइम पास ऐसे नाइंड वाइंड कर लोगे तुम जो देगा तो नाइंड के लिए 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं तो वेव डायग्राम भी बनाते हैं, वेव्स के थ्रू भी दिखाया जाता है। क्या तो 90 डिग्री लोगों को याद होगा कि क्या तो 0 पे 0 0 इनपुट डालेंगे तो क्या मिलता है हमें 90 पे के लिए 0 0 पे कितना 0 0 पे 1 0 इनपुट 0 0 और आउटपुट कितना। तो वेव डायग्राम में ऐसे शो किया जाता है कि अपने आप ही लाइन लोगे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल इनपुट 0 0 डाला 90 डिग्री ऐसे भी दिखाया जा सकता है। कहीं पे देख करके पहचानने बोलते हैं कि कौन गेट है 0 0 और आउटपुट के लिए ऐसे दिखा दिया। ये दिखा रहा है कि ये 0 है ये और बी और ये आउटपुट तो 1 है 0 0 और ये 1 ये 0 B 0 एंड कितना मिलेगा ये तो 1। नाउ ए को 0 रखते बी को क्या कर दिया गया तो ए को 0 रखा अब बी को 1 कर दिया तो आउटपुट कितना 1। नेक्स्ट में ए को हाई कर दिया अभी 0 और दिस इज और फाइनली तो ये क्या था 1 एंड बी 1 और दिस इज 0। ऐसा शो क्या हो रहा था इसके बेसिस पे तो तुम बता सकते हो कौन सा गेट है। ये जितना डिजाइन बनाया रहता था तो बटन बनाया रहता है 4 ऑप्शन देते कौन सा गेट है। तो तुम यहाँ पे देखो जो है अपने आप ही लेवल को देख के पहचानो कि हाई लो कौन सा है ए बी एंड दिस इज योर ए बी एंड वाई देख रहे हैं इसमें क्या। तो हम जानते हैं कि नैंड में एक ही बार हमें क्या मिलता है तो लो मिलता है जब दोनों ही क्या हो हाई। तो दोनों ही एक प्रॉपर्टी पकड़ के रखोगे तो बोले क्या हमारे पास कि दोनों ही हाई है लो और लेवल और हाई लेवल। तो यार देखोगे लो लेवल दिखाया गया यहाँ पे दोनों ही क्या दिखाया हुआ
आज दिखाया हुआ और आउटपुट क्या मिल रहा लो दैट इज एंड नैंड दैट इज नैंड अपने आप ऐसे खींच लेना होता ये कहा था नैंड खींचेगा और भी लिखेगा अपने आप ही खींचेगा लोग जल्दी खींचेगा अपने आप ही लेवल मेंटेन करके लिखे देते हैं कुछ नहीं ऐसे लाइन खींचना है बनाएंगे तो और था तो और में खींच डालोगे ये तो मैं और दिखाया कल जीरो जीरो लिया वहां से छट गया जीरो तुम्हारे किधर है लोकल काम करना देखेगा लो ये क्या लेते हैं हम लोग पहला जीरो और जीरो और के लिए आउटपुट कितना अगेन ए विल बी जीरो और बी आउटपुट नाउ ए बी ए वन बी जीरो ऐसा था अरे जीरो जीरो और फिर जीरो वन और फिर वन जीरो लिया था तो 10 पे क्या मिला तुम कुछ करते नहीं क्या ऐसे लाइन नहीं खींचना कोई टेक्नोलॉजी नहीं सिर्फ ऐसे लाइन खींच देना और बी कितना और ये भी कितना तो इतना ही शो आउट करना ये में दिख रहा है कि 0 0 और ये 0 लेवल है 01 के लिए तो 1 है 10 के लिए 1 11 के लिए 1 बस दिख रहा है वेव डायग्राम बनाना बोलते हैं और गेट के लिए तो ऐसा ट्रूथ टेबल को ध्यान में रखते हुए तो ऐसे लाइन्स के थ्रू एक्सप्रेस कर दे बात क्लियर हो गई लोगों को तो होमवर्क रूप में जो है तो किसका तो नॉर क्या और नॉर एंड दो का बना दिया बाकी का भी जोर का भी बना लेगा जोर का क्या लिखवा था बुलियन फंक्शन क्या लिखवा था ये बार भी प्लस बनाएगा ट्रुथ टेबल बनाएगा क्या लेना 00 01 अपने लिए जब खुद लेना तो देख लेगा इधर इसी डालने हैं इसमें ये 0 डालेंगे तो क्या देगा 1 तो 1 and 0 प्लस ये जब जहाँ डालेंगे तो 0 0 and 1 तो गुना करके क्या दे देगा ये 0 था और ये भी 0 था तो 0 प्लस 0 बिल्यू 0
कुछ आ रहा है लोगों को। तो नेक्स्ट टाइम जो है तो क्या करेंगे देखा, बताओगे साहब ये जो दूसरा नंबर जाएगा बॉक्स में तो क्या बनेगा, ये जो इसके लिए वेरीफाई करेगा तो ये वाला टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, चुप रहेगा बाकी लोग बनाएगा कैसे, ये इसमें बार डालो को तो क्या हो गया वन, वन इंटू वन कितना वन, ये वाला टर्म इसमें डाल के बताएंगे बगल वाला बताएगा, चुप रहेगा बाकी लोग, ये वाला टर्म उसमें बाप डाल के बताओ वो भी क्या आएगा, अरे जीरो आएगा, ये चार डाल देंगे तो खत्म ही हो गया, जीरो ही हो गया, अब तो शुरू वाला बन आ गया, वो वाला कितना आ गया, तो क्या मिलेगा ये जैसे एक एलिमेंट बन आ गया तो डेफिनेटली बन आएगा ही आएगा, अगर वन प्लस वन भी बन होता है वन प्लस जीरो भी बन होता है, बताएगा बगल वाला बताएगा ये वन जीरो डाल के पहले वाला एलिमेंट क्या देगा, चुप रहेगा बाकी लोग, ये जीरो दे देगा कैसे, जैसे वन को बाटर में डालेंगे तो जीरो हो गया, जैसे एक एलिमेंट जीरो होगा तो पूरा जीरो कर देगा, ये बताएगा चुप रहेगा बाकी लोग, यही एलिमेंट डालो साहब उसमें, यही एलिमेंट इसमें डालें क्या होगा, बी बार है ये बन हो गया और ये बन है तो क्या आएगा बनाएगा, तो जीरो प्लस वन क्या देगा बन देगा, और ये जैसे तो वन वन है जैसे एक ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया डाट डब्ल्यू जीरो, तो जोर का ट्रूथ टेबल ऐसा बनेगा, जोर का ट्रूथ टेबल बनाएगा, ट्रुथ टेबल बनाएगा अपना अपना कॉपी पे सब, जो पीछे वाला था उसका उल्टा बनेगा, काफी लोग आलस दिखा रहे होंगे, ऐसे आलसी लोगों के बारे में बताया कि दिखा रहा है ये आलस, आदमी को बनाने बोला गया तो बनाए, सीधा बोलेगा जीरो जीरो पे क्या डाल देगा तो ये बन बन कर देगा, जैसे बना गया तो बन ही आया ना फिर, और एक भी ये जीरो है तो जैसे अगर ये इससे बन होने के कारण ये जीरो हो गया और ये जीरो होने के कारण ये जीरो हो गया, समझ नहीं आया लोगों को, और गेट्स लेकर के ये आउटपुट निकाले, अपना अपना गेट को पसंद करें और उससे थ्रू ये बुलियन फंक्शन जो क्रिएट करेगा कैसा गेट्स दिखेगा, अरे कैसा गेट दिखेगा, ऊँ नहीं कर रहा है, ये बोला जा रहा है कि देगा तर क्या बोला जा रहा है, ऐसे ऊपर देगा क्या, कैसे क्रिएट करते थे हमें जो हमें क्या दिखा देखा दिखाना है, तो डाट डब्ल्यू सी ये ऑपरेशन है, बीच में क्या है तो हम क्या करेंगे, ये सिग्नल को क्या कर देंगे, ये सिग्नल डाल के क्या कौन से गेट लगा देंगे और गेट, तो उसे क्या कर देगा ऐड कर देगा, तो बोलेंगे कि क्या, तो और देखता रहेगा लोग, ये और गेट लगाएंगे और यहाँ पे कौन सिग्नल दो डालेंगे, तो वन विल बी ए बी एंड ए बार वी बार, ये सिग्नल्स को अगर हम डालें तो अपने आप ही आउटपुट हमें मिल जाएगा, ये समझ में आ गया, लोग ऊपर देखा है लोकल काम है जीरो लेवल का काम है, ऊपर देगा लोग, अब क्या करेंगे तो हमें
एंड गेट लाकर लगा करके इसको पैदा करें, दो सिग्नल ले और एंड गेट डालेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ए एंड बी। तो क्या जाएगा इससे, ये भी जाएगा, ये ऑब्टेन हो गया। और हमें ए बार बी बार भेजना है तो एंड गेट लगाएंगे बट सिग्नल में क्या कर देंगे, दो तो नॉट कनेक्ट कर देंगे, सिग्नल में क्या कनेक्ट कर देंगे नॉट। एंड तो यही है ही, ये सिग्नल जो आ रहा है तो इसमें क्या डाल के भेजेंगे तो नॉट। टर्मिनल का खत्म होने के बाद ए बार बी बार का प्रोडक्ट में भेजेगा और अपने आप ही तो ये क्या करना दे देगा, आउटपुट ऐसा दे देगा। कोई भी बुलियन फंक्शन क्रिएट करने के लिए बोले जाएगा तो अपने आप ही तो इन गेट्स को लेकर डिजाइन कर सकते हो कि ऐसे ऐसे ही आउटपुट मिलेंगे। या कल को जो उस वो बुलियन फंक्शन के लिए चार ऑप्शन बना दे, कौन सा वो बुलियन फंक्शन देगा। तैयार करेगा ए और बी बन बन के लिए निकाले भाई। क्या और गेट है तो नीचे वाला तो क्या दे देगा, तो यहाँ से तो वन और वन डालोगे ये बन आएगा, ऊपर से बन आ रहा है दैट विल बी वन। और नीचे जीरो वन के लिए वन देगा ये जीरो वन जो है तो यहाँ पे तो दैट विल बी वन और ऊपर से कितना जीरो जीरो दे देगा। देख लेगा जिसको नहीं पता चलता तो सीधा देखेगा क्या बोला है, वन और वन ए बी वन और बी वन, तो ये वन प्लस वन यहाँ पे वन प्लस वन वन प्लस वन वन प्लस वन और है, ये वन प्लस वन वन देगा और ए एक सिग्नल इधर ए भी आ रहा है जिसमें तो ये भी वन आ रहा, तो वन और ये भी वन तो ये क्या देगा एंड गेट वन देगा। और ए जीरो यहाँ भी जीरो जा रहा है और ऊपर भी जीरो जा रहा है, यहाँ पे एक तो जीरो आ रहा है और ये जीरो इसमें जीरो और वन के लिए तो क्या करते हैं वन दे देगा जुड़ेगा ऊपर जीरो और वन मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा ये ना तो डेट में भी जीरो डेट में जीरो। तो कन्वर्ट करना रहता तो कर लोगे तुम, बताया गया जरा फॉरवर्ड आइसिंग की कहानी बताया क्या क्या बताया गया था फॉरवर्ड आइसिंग में, चुप रहेगा बाकी लोग इसको बोल देगा बोला ना
वाइब्रेशन में तो बोल रहे हैं कि क्या तो पी साइड को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, उसमें होल्स ज्यादा होता है तो पुश करेगा इधर से पॉजिटिव चार्जेज, तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है और डिफ्यूजन बढ़ जाता है, ड्रिफ्ट नेट करंट चलता नहीं चलता, वाइब्रेशन में चलता है और वाइब्रेशन में तो करंट चलता है, आइडियल कंडीशन में रेजिस्टेंस जीरो लगते हैं हाई करंट चलेगा। और दूसरी बात बोला गया था कि डिप्लीशन लेयर में किधर पॉजिटिव और किधर नेगेटिव है, एन की तरफ जो है पॉजिटिव और एन की तरफ पॉजिटिव और पी की तरफ, और अगर कोई बॉन्ड वॉन्ड फूटता था तो क्या होता था, बॉन्ड अगर डिप्लीशन जोन में आके फूट गया, बॉन्ड कहाँ पे आके फूट गया तो क्या होता था, तो बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन पैदा होते थे तो कहाँ जाते थे, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। ओके तो लिखेगा सोलर सेल में फिर से क्या था देखा, सोलर पैनल्स होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड होता है, सोलर सेल पीएन जंक्शन डायोड, सोलर सेल में होते क्या पीएन जंक्शन डायोड, और लाइट क्या करती है, तो सोलर सेल में तो पर्पस तो पता ही है ना, लाइट एनर्जी को सन एनर्जी को लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब होता क्या, तो वो हम लोग देखते हैं कि पीएन जंक्शन ही होते हैं उसमें, और पीएन जंक्शन में क्या क्रिएट हो जाएगा, तो डिप्लीशन लेयर क्या क्रिएट होता है, पी एंड एन, बारिश भी जो है तो क्या करते हैं, तो स्पेशली से जो सोलर सेल से हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो है कि पीएन जंक्शन जो डायोड्स होते थे जो पी टाइप और एन टाइप हमारा, तो पी टाइप और एन टाइप में से तो किसी एक को क्या रखते हैं, तो थिन रखते हैं, पतला रखते हैं, क्या रखते हैं, कारण क्या होता है, लाइट एनर्जी डिप्लीशन जोन में पहुंचे, लाइट एनर्जी कहाँ पहुंचे, डिप्लीशन जोन में पहुंचे, लाइट एनर्जी जो हमारे पी साइड और एन साइड का जो स्ट्रक्चर है तो उसको पास कर दो, लाइट एनर्जी कहाँ पहुंचे, तो लाइट का गेम है, लाइट एनर्जी डिप्लीशन जोन में पहुंचा और डिप्लीशन जोन में पहुंचे क्या करते, बॉन्ड को फोड़ता है, लाइट एनर्जी ब्रेक्स बॉन्ड इन द डिप्लीशन लेयर, यहाँ पे आकर तो डिप्लीशन लेयर में बॉन्ड को क्या करता है, वो ब्रेक करता है, क्या करता है, बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे डिप्लीशन लेयर में होती है, लाइट आकर के तो बॉन्ड ब्रेकिंग इस जोन में होती है, लाइट ब्रेक्स बॉन्ड इन द डिप्लीशन लेयर, बॉन्ड ब्रेकिंग से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो कंटिन्यूस इसमें जो है कि प्रोडक्शन होता रहता है, बॉन्ड ब्रेक कर गया तो ऐसे नहीं कि एक बार फूटने के बाद रुक जाता है, ये क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग से क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, एन साइड में, और होल्स तो यहाँ पे एक तो पोटेंशियल का लेयर क्रिएट होता है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और लोड से थ्रू कनेक्ट कर दोगे, लोड क्या कर दोगे तुम, कनेक्ट कर दोगे, तो लोड में इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कनेक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते तो करंट कहाँ जाएगा, आपको डायरेक्शन करंट शुरू हो जाता है लोड में, हाई और ये जो इलेक्ट्रॉन्स गए किधर, एन साइड में, तो इधर का पोटेंशियल हाई हो जाता है, इधर का लो हो जाता है, इधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इधर का क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज का स्टोरेज होगा, और दूसरी साइड में तो एक साइड का पोटेंशियल हाई और दूसरे का क्या हो जाता है,
लो, हाई एंड लो पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, और जिसके कारण क्या क्रिएट हो जाता हमारा हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, जिसके कारण सिस्टम में तो क्या डेवलप हो जाता है, लोड कनेक्ट करोगे तुम देखोगे कनेक्टर तो तुम्हारा बल्ब जलेगा, क्या जो होगा बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, लाइट गिराते हैं पीएन जंक्शन पे तो बॉन्ड फूटा, डिप्लीशन लेयर में होल सॉ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कोई डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन्स एन साइड की तरफ जाता है और होल्स बी साइड की तरफ जाता है, जिससे बोलते हैं कि दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, क्या डेवलप हो जाता है, और तुम कनेक्ट कर दोगे लोड को तो अपने आप ही क्या होगा तो चमकना शुरू हो जाएगा लोड, तो बोलते हैं कि क्या हो गया तो सोलर सिस्टम के थ्रू लाइट एनर्जी को तुमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, क्या कहानी समझ में आ गई होगी, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल का क्रिएशन हो जाता है, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल का क्रिएशन हो जाता है, और लोड कनेक्ट करोगे तो अपने आप ही तो बिजली जल जाएगी, टाइम पास काम है कुछ आश्चर्यजनक काम है नहीं है, डिप्लीशन लेयर में तो ऐसा बॉन्ड का फूटना होता है, और जरूरी है क्या हो तो पहुंचने के लिए वहां तक लाइट को पहुंचने के लिए तो किसी रीजन को तुम थीम रखना पड़ेगा, बाकी जो है दूसरा काम तो क्या करते हैं इसका तो आईवी कर्व खींचते हैं, सोलर सेल का आईवी कर्व, करंट एंड वोल्टेज, तो ऐसा देखने को मिलता है, IV characteristic for solar cell. बोलते हैं यहाँ पे क्या? ये कौन सा एक्सिस दिखा रहा है? यहाँ भी एक्सिस पे क्या दिखा रहा है? करंट जीरो, करंट जीरो, करंट जीरो मतलब क्या? ओपन सर्किट, तो डैट इज ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट वोल्टेज, और इस एक्सिस पे तो वोल्टेज जीरो, तो शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज जीरो मतलब शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट करंट, आईवी कैरेक्टरिस्टिक से ऐसा मिलता है, मतलब क्या है ये कोई आश्चर्यजनक है नहीं, बोला जा रहा है कि वहां पे तुम ओपन सर्किट मतलब जो आ रहा है सोलर पैनल्स लगे होते तुमने स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में देखा होगा, ये गली मोहल्ले में अपने घर पे भी लोग खरीद के लाते हैं, सोलर पैनल होता है, क्या होता है, जैसे आदमी घर में बाल्टी खरीद के लाता है कि बारिश हो रही है पानी रखना तो बारिश में डाल दिया बाल्टी, बाल्टी के अंदर पानी भर गया फिर अंदर घुसा लेता है और रात में यूज करना तो कर लिया, कौन सी नई बात है, हंसने वाली बात है नहीं।
ऐसे सोलर पैनल होते हैं और उसको दिन में जो है कि धूप में रख देना होता है, या जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं तो ऊपर ऑलरेडी फिक्स किया रहता है उसके ऊपर, और लाइट गिरती है। स्टोरेज हुआ है, बोला जा रहा है कि स्टोर हो गया सिस्टम में, हमने कनेक्ट नहीं कर रखा है, और जो हमें यूज करना होगा तो क्या करेंगे, तो कनेक्ट करेंगे सर्किट को, तो क्या देगा फिर वो करंट, अगर तुम लोड नहीं लगाओ तो अपने आप ही से तो देगा, और लोड से कनेक्टेड रखोगे तो फिर दैट विल लोड के थ्रू करंट लाइक प्रोवाइड करेगा। शॉर्ट सर्किट करंट मतलब तो कुछ भी तुमने लोड नहीं लगाया तो डेट इज शॉर्ट सर्किट करंट, चूँकि ये क्या करता है तो बैटरी बैटरी के लिए आई वी कर्व इसमें खींचा था, उसमें बनाया होगा वी आई बैटरी के लिए बनाया था ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए, तो कहाँ बनाया था वी आई बनाया होगा, तो ऐसा बनाया था इस पहले क्वाड्रेंट में क्या, अरे बनाया था ना वी आई कर्व नहीं बनाया क्या, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए बनाया, तो ऊपर बनाया था इसमें नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाते हैं। कारण क्या है, ये लोड में करंट सप्लाई करता है, क्या करता है ये बैटरी नहीं है, क्या है ये बैटरी नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर लो, सोलर एनर्जी से, और लोड में करंट क्या देगा प्रोवाइड करेगा, लोड में करंट प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई इट इज तो शोन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बैटरी नहीं है, तुम जो है तो सोलर एनर्जी से तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हो, और लोड में क्या करेगा ये तो सप्लाई देगा, तो दैट्स व्हाई इट इज शोन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में दिखाया जाता है। लोड में हाँ लोड में ये क्या करेगा तो करंट देगा, ये ऑलरेडी बैटरी वोल्टेज स्टोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वोल्टेज स्टोरेज हो रही है, और फिर देना प्रोवाइड्स करंट थ्रू द लोड, इट प्रोवाइड्स करंट थ्रू द लोड, एक बार तो डीसी सोर्स होता है, बैटरी होती है, क्या होती है तो बैटरी होती है, तो उसके लिए हम लोग कहाँ दिखाते हैं ऊपर पहले क्वाड्रेंट में दिखाते हैं, प्रेफर करते हैं ऊपर दिखाएं, बट इसमें कहाँ दिखाया जाता है ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रही है, और पहले क्वाड्रेंट में दिखा देते तो सोलर एनर्जी कहाँ बनती, बोलते कि तुम तो ऐसे बोलते डीसी बैटरी बना के रख लिया घर पे कर दिया, इसमें घर पे करने वाली बात है, इसमें डेली तुम क्या करोगे रखोगे तभी चलेगा, ऐसे नहीं कि तुमने जो है कि एक दिन छोड़ दिया तो दो चार दिन तक भरा रहेगा, वो क्या रहेगा वो डेली तो मैं तो लाइट रात में यूज किया है, और जो जितना यूज किया तो ठीक है, फिर से तो दिन में डालना पड़ेगा तुम्हें, बैटरी में ऐसा नहीं है, बैटरी में तुमने स्टोर कर रखा था तो तुम यूटिलाइज करते रहो, जो मोबाइल में कर लिया ना तुमने, मोबाइल में बैटरी चार्ज कर दिया, क्या कर लिया चार्ज कर दिया तो बैटरी हो गई वो, बट ये जो है तो सोलर पैनल्स होते हैं उसको लेकर जाकर रखोगे और वो डेली बेसिस पे चार्जिंग होगी, और नाइट यूज करोगे और फिर से चार्जिंग करते रहोगे। दूसरा लेके आई वी कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए, तो पीएन जंक्शन के लिए नोट करें, डायोड के लिए, वो सोलर सेल के लिए था स्पेशल, और दूसरा जो है तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए, पीएन जंक्शन के लिए आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा आता है, ये सेट टाइम नहीं आता, आई वी ग्राफ जो है तो ओमिक कंडक्टर के लिए कैसा आएगा, सीधा आता है, पीएन जंक्शन के डायोड के लिए ऐसा, और सेट लाइन नहीं आता, अब्रप्टली चेंज करते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में, तो आई वी करंट बोला था रिवर्स बायस में भी तो कुछ करंट फ्लो करता है, रिवर्स डायरेक्शन में तो लिटिल करंट फ्लो करता है स्टार्टिंग में और एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद, तो जो करंट हो जाता है हाई हो जाता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन बोलते हैं कि ब्रेकडाउन होता है सिस्टम में, और ब्रेकडाउन जब हो जाता है सिस्टम में तो रिवर्स डायरेक्शन में तो क्या बोलते हैं तो हाई करंट फ्लो करता है।
और उसे वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। जनरल ब्रेकडाउन बताया था, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। क्वार्टर का वोल्टेज स्टेबलाइज हो जाता है, ये वोल्टेज स्टेबलाइजेशन दिखा रहा है। जहाँ पर रहेगा तो ऐसे तुम काम कर लोगे।